फेंकू कहो तो गलत ना कहो। जब भी दुनिया के सामने जाते हैं, जब भी वर्ल्ड के सामने जाते हैं, जलवायु की मीटिंग में, पर्यावरण की मीटिंग में, यही प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम भारत में कोयला के आधार पर किसी भी उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे। और हम नहीं, जर्मनी, फ्रांस, जहां भी कोयला के आधार पर उद्योग था सबने बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बढ़कर उनका देश है। और देश बने जीव जंतु, जंगल, पर्वत, पहाड़, इंसान, देश बने। और यहाँ भारत में क्या है, बस दो तीन को आदमी मोटाए, बाकी आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही देखिए गोड्डा में कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो सेफ हसीना। गोड्डा में पावर प्लांट बना है, पता है ना, 768 मेगावाट बिजली का उत्पादन है चुकल है। सारा के सारा बिजली बांग्लादेश, सारा के सारा बिजली बांग्लादेश। और ताज्जुब के बाद, हैरत के बाद, राज्य सरकार के 1% रॉयल्टी है, 1% रॉयल्टी है। यानी इनको लूटने के लिए सिर्फ झारखंड राज्य मिला, बाकी किसी राज्य में। हाल फिलहाल हम लोग बूढ़ा काप में आंदोलन कर रहे थे, जब वहां 3 दिन कंपनी का ताला बंद हुआ तो एक सरदार जी वहां ड्यूटी करते थे, वो बाहर आया सरदार जी, बोला क्या हुआ है भाई, बोला यहाँ आदमी लोग कंपनी का विरोध कर रहा है, कंपनी से धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे वो बच्चा कैंसर हो गया, मर गया। तो सरदार जैसा भी सरदार लोग बहुत दिल वाला होता, बोला हाँ यार ऐसा बात है, यही कंपनी इंदौर में है, बोला वहां तो 0% पोल्यूशन है, 1% पोल्यूशन। यही बूढ़ा काप में रोंगटा कंपनी, जिसका धुआं से, जिसका पानी से आदमी कैंसर से मर गया है, बाकी राज्य में 1% लोग पोल्यूशन निकाल नहीं पाता है, ताकि बाकी राज्य का विधायक भी ठीक है, वहां का जनता भी ठीक है, आंख दिखा के बात करता है। यही आप ममता बनर्जी का नाम सुने होंगे, आज मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री बनी कैसे, नंदीग्राम और सिंहपुर में दो जमीन को लेकर आंदोलन हुआ था। सिंहपुर में शायद 1,000 एकड़ जमीन टाटा नैनो को दिया गया था, उसी आंदोलन का नेतृत्व किया ममता बनर्जी ने, और 1,000 एकड़ जमीन किसानों को वापस कराया। क्या झारखंड में एक भी विधायक, एक भी मुख्यमंत्री है जो एचईसी हिंडाल को ना जाने कितना कंपनी फैक्ट्री है, जहां कंपनी जमीन लिया है वो खाली है, जमीन लौटा सके? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि यदि कोई कंपनी जमीन लिया है और उसमें अगर कोई फैक्ट्री, कोई कल कारखाना नहीं बना है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है सर्वे करते हुए सारा जमीन जो रैयत है उसे वापस कर देना चाहिए। क्या वापस हुआ है झारखंड में? एक भी उदाहरण बताइए। जाइए बंगाल में, जो एक मामूली नेत्री थी आज मुख्यमंत्री है, 1,000 एकड़ जमीन वापस किया किसान को। लेकिन यहाँ सबका कमीशन बंधा है, यहाँ सब लोग केवल अपना ड्यूटी देखता है। आज भले थाना प्रभारी और जवान आए हैं, लेकिन यकीन मानिए लोग हमारे भाई बंधु हैं, भले ही हमारे बीच के हैं, लेकिन सब अपना ड्यूटी देखता है, जनता का हित कोई नहीं चाहता। आज तक सुने हैं कि कभी किसी कंपनी के सीएमडी जीएम पर कोई लाठीचार्ज हुआ है? 19 तारीख को देखे, महिला लोग को मार के लहू लुहान कर दिया, कहे भाई वो विरोध कर रहा था 60-40 नहीं चलतो, कहे चलतो। अरे झारखंड एगो राज्य थोड़ी है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यूपी है, एमपी है, वहां 60-40 कहे नहीं है? 60-40 माने बोझा धोनी, हाँ धोनी के बोझा ही। 60-40 के माने है ना कि जो सरकार नौकरियां देता है ना, नौकरियां माने बोझा, यहाँ देखिए पुलिस की जगह जाना है लो, तो नौकरियां लगेगा ना, चाहे क्लर्क लगो, मास्टर लगो, नौकरी कर रहा तो सरकार जो नौकरी देता है ओकर में 60 को मिलते झारखंडी के, ओकरो में एगो जो बहुत बड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ओकरा तो कहीं कहीं 0 कर दिला, अगर खत्मे कर दिला, जबकि अगर पॉपुलेशन 54 है। यानी 60 को झारखंड के मिलते और 40 को ओखनी के बांटते, जगह एगो पसीना नहीं चुअल ही राज्य बनने का, तो गलत है कि नहीं? राज हमने बना लिए ना, हमने के पूर्वज गोली खा ले, लाठी खा ले, डंडा खा ले। अरे अभी भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा है, हमने के अपन दांत बतवाते रहा है कि जब पुलिस पीट है ना, चपोट मार के छाइल दे है, कपड़वा मार के भोर कर दे है। और नौकरी यदि यूपी बिहार वालन के बांटता है तो तकलीफ होते कि ना होते?
आज भी जो सड़क में आंदोलन भय रहा है, 17 तारीख के लाठी खेल थीन, 19 तारीख के लाठी खेल थीन, 23 मार्च के लाठी खेल थीन, लाठी खाए वाला के झारखंड के बचवाई, झारखंड के गिदर मान आ नौकरी आजादी एमपी गुजरात के बाटल देता है, तकलीफ होते कि नहीं होते भाई। लाठी डंडा हमने कह